367, example number 10. Example 10 में है, calculate the mean, variance and standard deviation for the following distribution. तो mean भी निकालना है, variance भी निकालना है, standard deviation. Variance निकाल लीजिए, variance निकालने के बाद standard deviation में कुछ नहीं, variance का ही square root लेना होता है बस. तो देखिए, class दे रखी है, frequency दे रखी है. तो क्लास देखिएगा, क्लास क्या दे रखी है, 30 से 40, 40 से 50, सिक्सटी से सेवेंटी, हंड्रेड तक गई, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100. तो ये तो क्लास हो गई. क्लास के बाद में है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई बोल देते हैं. तो फ्रीक्वेंसी है 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2. 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2. ये फ्रीक्वेंसी हो गई. मुझे कैपिटल एन, अगर जैसे कैपिटल एन निकालना होता है तो वो सारी फ्रीक्वेंसीज का सम होता है. तो 3 + 7 = 10, 10 + 2 = 12, 12 + 5 = 17, 17 + 8 = 25, 25 + 3 = 28, 28 + 2 = 30. ठीक है, तो 3 आ गया कैरी. तो 3 + 1 = 4 + 1 = 5, तो 50 हो गया. उसके बाद देखिएगा, इन्होंने बोला है मीन निकालना है, वेरियंस निकालना है. तो ये सब निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा कि जैसे ये जो क्लास है, जब क्लास इंटरवल दे रखा होता है तो मुझे इसकी मिड वैल्यूज निकालनी होती है. तो यहाँ लिखिएगा मिड वैल्यूज. मिड वैल्यूज को हम बोल देते हैं एक्स आई मिड वैल्यूज. तो मिड वैल्यू क्या होगी, 30 और 40 के बीच की वैल्यू, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 35. 40 + 50, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाई 2, 45, 55, 65, 75, 85, 90. तो ये तो हो गई सारी की सारी मिड वैल्यूज. ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा कि हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस निकालने के जो फॉर्मूले देखे हैं उसमें वैल्यू अगर मैं देखूं कि इस तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ जाए. मेरा देखना ये फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का देखूंगा पहले. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, जो लास्ट में आपको फॉर्मूला लिखवाया था वो था 1/n और अंडर रूट 1/n और अंडर रूट में n into सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में आपको लिखवाया था. इसके बाद एक फॉर्मूला और लिखें, यहां लिखिएगा शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे एच
अपॉन एम, एच अपॉन एम अंडर रूट, अंडर रूट एन इंटू सिग्मा, जैसे ये एफ आई एक्स आई है ना, यहाँ लिखो एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर, माइनस सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखिएगा जरा कि मैं अगर मान लीजिए यही वाला फॉर्मूला जो आपको लास्ट टाइम लिखवाया था, अगर मैं यही वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ ना तो पागल हो जाएंगे इसको करते करते। उसका जो है रीज़न क्या है ये देखिएगा, एफ आई एक्स आई स्क्वायर, तो एक्स आई का मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर उनको एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर उनको ऐड करना, तो एक ही क्वेश्चन करते रह जाओगे पेपर में। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करें। यहाँ पर लिखिएगा कि थोड़ा आगे करके लिखना है इस तरफ, यहाँ पर लिखिएगा वेयर यू आई इज इक्वल टू, वेयर यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ए इज एज्यूम मीन एंड एच इज क्लास विड्थ, एच इज क्लास विड्थ, ये होता है ठीक है। क्लास विड्थ मतलब ये जैसे 10-10 का गैप है तो ये आपकी क्लास विड्थ हो गई। तो अब आप क्या करिए कि आप इसमें ये जो एक्स आई की वैल्यूज आई है ना, जरा काउंट करो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वैल्यू हैं। तो जब 7 वैल्यू होती हैं, ऑड वैल्यूज होती हैं, तो उसमें क्या करिए, मिड वैल्यू को कैसे निकालते हैं, 7 में से एक कम कर दो आप, 6 का आधा कर दो 3, तो 3 वैल्यू शुरू की छोड़ दो, 3 वैल्यू बाद की छोड़ दो, और ये जो बीच वाली वैल्यू है ना 65, इसको लिख दो, यहाँ पर लिख दो ए, कैपिटल ए। एज्यूम्ड मीन एक ऐसा मीन होता है जो आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर क्या है कि आप ये जो मिड वैल्यूज आई हैं इन्हीं में बीच वाली वैल्यू मान लीजिए, तो सबसे आसान आपका क्वेश्चन बन जाता है उससे। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फॉर्मूले के हिसाब से एक तो मुझे यू आई की ज़रूरत है और एक मेरे को यू आई स्क्वायर की ज़रूरत है। तो पहले मैं यू आई निकालूंगा और यही जो फॉर्मूला है ना यू आई वाला, यही मतलब ये यू आई वाला कंसेप्ट ही मैं यूज़ कर लूँगा मीन निकालने के लिए, क्योंकि मेरे को मीन भी निकालना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हमने ले लिया यू आई, यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एक्स, तो भाई एक्स आई क्या है 35, 35 माइनस 65 कितना हो जाएगा माइनस 30, 35 माइनस 65 माइनस 30 अपॉन एच, एच कितना है 10, माइनस 3 हो गया, 45 माइनस 65 माइनस 20, माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 2 हो गया, 55 माइनस 65 इज माइनस 10, माइनस 10 अपॉन 10 इज माइनस 1, 65 माइनस 65 इज 0, 75 माइनस 65 इज 1, तो ये आपका कुल मिलाकर ये वैल्यूज आ यू आई। तो आप ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज थी और कितना आसान हो गया ये ठीक। उसके बाद देखिए यू आई का स्क्वायर, यू आई का स्क्वायर, तो जब यू आई का स्क्वायर निकालेंगे तो भाई माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब सारी वैल्यूज देखूंगा मैं सिग्मा, अब मेरे को एफ आई यू आई चाहिए एक बार, तो मैं एफ आई और यू आई, एफ आई और यू आई इनको मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने हैं, जब पेपर में करो इस क्वेश्चन को तो एफ आई और यू आई के बीच में पेंसिल से एक लाइन बना लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जल्दी जल्दी के चक्कर में कई बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर बैठते हैं तो गलती हो जाती है। तो 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14, 12 इंटू माइनस 1 माइनस का 12, 15 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, ये वैल्यू हो गई। उसके बाद देखिए फिर करिएगा एफ आई यू आई स्क्वायर, एफ आई यू आई स्क्वायर, तो अब एफ आई को किस में मल्टीप्लाई करना है, एफ आई को मल्टीप्लाई करना है यू आई स्क्वायर में,
तो 3 × 9 27, 7 × 4 28, 12 × 1 12, 15 × 0 0, 8 × 1 8, 3 × 4 12, और 2 × 9 15, ये हो गया। बहुत छोटी छोटी वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर, तो एफ आई यू आई स्क्वायर का सिग्मा करना है, यानी कि सबको ऐड कर देना है। तो एफ आई यू आई स्क्वायर का इसका पूरे का सिग्मा यहाँ लिखेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + 8 15, 15 + 2 17, 17, 7 + 8 15, 15 + 2 17, 17 + 8 25, 25 + 2 27, 27 और 8 35, 3 आ गया कैरी, तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9 + 1 10, तो 105 आ गया। अब इसी तरीके से सिग्मा एफ आई यू आई निकालो, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 8 + ये हो गया 6 + 6 12, और 12 + 8 20, तो ये तो आ गया 20 पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव वाला कितना आ रहा है, 2 + 4 6 + 9 6 + 9 कितना हो गया 15, तो 1 कैरी आ गया, है ना, तो माइनस का 35 भाई, 9 + 4 13, 13 + 2 15, तो 5 और 1 कैरी, 1 + 1 + 1 तो हो गया माइनस का 35, और ये बन गया 20, तो माइनस 15 बन गया, सिग्मा एफ आई यू आई बन गया माइनस का 15, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब यहाँ पर एक काम और करेंगे, पहले मीन, अच्छा मीन बाद में निकालते हैं, चलो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देते हैं, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू एच अपॉन एन, एच अपॉन एन अंडर रूट, एच अपॉन एन अंडर रूट एन इंटू सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर, एन इंटू सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर, तो सिग्मा इज इक्वल टू एच अपॉन एन, एच क्या है, क्लास वेट, क्लास वेट कितनी है 10, तो 10 अपॉन एन, एन कितना है 50, तो 10 अपॉन 50 और अंडर रूट में एन कितना है फिर वही 50 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर, तो सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर कितना है 105, तो 50 इंटू 105 माइनस सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया माइनस 15, तो माइनस 15 का होल स्क्वायर 0 से 0 कट गया, सिग्मा इज इक्वल टू 1/5 अंडर रूट, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25, 2 कैरी आ गया, 5 × 0 = 0 और 2 हो गया, 5 × 5 ठीक है, तो 5 × 5 = 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर इज 225, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो ये हो गया 1/5, 10 − 5 = 5, 10 − 5 = 5 इधर बचा हमारे पास 4, 4 − 2 = 2 और फिर इधर 2 − 2 = 0 और 5 0 2 5, 5 0 2 5 का कुछ स्क्वायर रूट बनता है क्या, आंसर नहीं हो रहा है, ठीक है कोई नहीं। तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, जरा देखिएगा स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, 5 0 2 5 स्क्वायर रूट का साइन बनाइए, तो राइट से हम दो दो के ग्रुप बनाने शुरू करते हैं, तो 5 और 2 0 और 5 ये हो गया 0.0000 ऐसे कर लिया। अब इसके बाद देखिएगा 50 से जस्ट छोटा कोई एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते चले जाओ, तो 6 6 = 36, 7 7 = 49 इससे जस्ट छोटा है ना, तो 7 ले लूँगा, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7, तो 7 7 = 49, 50 − 49 = 1, अब 25 को नीचे कॉपी कर दिया तो ये हो गया 125, तो 7 में 7 को मल्टीप्लाई करा तो 49 आया, अब 7 में 7 को ऐड कर देंगे, और 7 में 7 को ऐड करेंगे तो क्या आ गया 14 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये 14 आ गया हमारे पास, उसके बाद देखिएगा
कि अब इसके आगे क्या नंबर लगाऊं, तो आप ये देखो 14 के आगे अगर 1 भी लगा लेते हैं तो 141 बन गया, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जैसे 14 आया ना, तो इसमें क्या है कि अब आपने अगले स्टेप में इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड करके क्या हो गया 14, 14 के आगे कोई एक नंबर लगाना है, एक एक करके ट्राई करेंगे, जैसे 1 लगा दिया तो 141 बन गया, अब इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 141, तो वो भी 145 से बड़ा है ना, तो 0 लगाना पड़ेगा, 140 के आगे लगा दिया 0 और यहाँ पर भी लगा दिया 0, तो 140 × 0 इज 0, तो क्या आ गया 125, और फिर पॉइंट के बाद ये 2 0 हैं तो इन 2 0 को नीचे कॉपी करो, ये कर लिया तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद के 2 0 कॉपी कर दिए हैं तो अब यहाँ पर भी पॉइंट लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, ये जो 140 है 140 में 0 को मल्टीप्लाई करा था तो 0 आया था, अब 140 में 0 को ऐड कर दो तो क्या बनेगा 140 बन जाएगा, 140 बन जाएगा। अब 140 के आगे एक एक करके नंबर लगाना है, तो मैंने कहा 140 के आगे अगर 1 लगाएंगे तो 1401 बन गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1401 ही आएगा, वो 12500 से बहुत छोटी वाली है, 8 लगाएं, 140 के आगे 8 लगाया तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 64 × 0 ये 6 आ गया, 8 × 4 = 32, 3 × 8 = 8 और 3 11264, ठीक है, तो 11264। अब ये ना जो स्क्वायर रूट वाले जो होते हैं उसमें आप 1 डेसिमल प्लेस तक भी करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 70.8 आ गया, अंडर रूट 5025 का आ गया 70.8, 1/5 × 70.8, अब इसको डिवाइड कर लो तो 14 × 5 = 70 होता है, तो 5 × 14 = 70, उसके बाद 5 × 1 = 5 और 8 − 5 कितना हो जाएगा 3, 3 × 0 = 30, 5 × 6 = 30, तो 14.16 जो है वो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है, यही आ रहा है आंसर, देख लीजिए आप इसमें 14.18 आ रहा है, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका 14.18 है और हमारा 14.16 है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसके बाद जैसे ये तो हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, अब अगर मान लीजिए मीन सॉरी वेरियंस निकालने की बात है, तो वेरियंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर मत कर देना, वेरियंस निकालने के लिए क्या करना, ये जो वैल्यू थी इसी का स्क्वायर करना, ठीक है, अंडर रूट 5025 का ही स्क्वायर कर देना, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं वेरियंस, वेरियंस क्या होगा सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर यानी कि 5025 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 5025 का स्क्वायर तो 5025 और अकाउंट में 5 है तो 5 का स्क्वायर इज 25, जिसको डिवाइड करते हैं तो 25 × 25 = 50 201, इसका वेरियंस आ गया 201, ठीक। अच्छा, ये करने के बाद में ये हमारे पास वेरियंस आ गया और ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, अब मीन बताइए, मीन निकालना बताओ, मीन बिल्कुल बेहद आसान फार्मूला मीन का, यही यू आई वाला यूज करेंगे मीन में भी, तो मीन के तीन फॉर्मूले आपको बताए गए थे जो मैंने पूरी शीट बनवाई थी ना, उसमें आप ये देखिए कि मीन का जो तीसरा वाला फॉर्मूला था स्टेप डेविएशन मेथड वाला, उसमें मैंने यू आई यूज़ करा था, तो मैं मीन का वो वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा यू आई वाला, तो सीधा सा है देखिए, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन इनटू एच, ये अच्छी ए कितना था 65, 65 + σfiui − 15 − 15 upon capital N capital N 50 50 हो गया multiplied by h h कितना है class width कितने कितने का गया कसर में 10 10 का तो 10 0 से 0 कट गया 5 = 15 62 - 3 कितना हो गया 62 तो 62 उसका मीन आ गया। तो ये देखिएगा जब हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाएंगी तो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ के टाइम पर फिर आप इसके चक्कर में मत पड़ जाना कि एफ आई एक्स आई स्क्वायर वाला, अब देख लो दोनों फार्मूले में अंतर कुछ नहीं है, आपने ये फार्मूला याद कर लिया तो इस फार्मूले में केवल और केवल एक चीज़ आ रही है, जहाँ जहाँ पर एक्स आई है वहाँ वहाँ पर तो यू आई आ गया और ये जो है बाहर 1/n की जगह एच अपॉन एन है, बस इतना अंतर है कि बाहर एच अपॉन एन आ जाएगा और यू आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यू आई वही है जो मीन का स्टेप डेविएशन मेथड में था, यू आई सेम यू आई, ठीक। अब इसी तरीके से अगर आप देखें एग्जाम्पल नंबर 11,
एग्जाम्पल 11 में है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा एक्स आई 3, 8, 13, 18, 23, ठीक है, और एफ आई ये दे रखा है। तो अब ये वाला जो है ये एफ आई एक्स आई से कर लो, अगर चाहो तो इसको भी आप यू आई लेकर कर सकते हो। आपको दिखाई दे रहा होगा एफ आई एक्स आई स्क्वायर में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आ गई 3174, 3240, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। और अगर चाहें कि भाई इसको भी मैं शॉर्टकट मेथड से करना चाहता हूँ तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे इसमें एक्स आई दे रखा है 3, 8, 13, 18, 23, तो इसमें आप ये देखो कि 3 और 8 में कितना गैप है 5 का, 8 और 13 में कितना गैप है 5 का, 13 और 18 में कितना गैप है 5 का, और 18 और 23 में भी 5 का गैप है। तो क्लास इंटरवल नहीं दे रखा, लेकिन इस गैप से मुझे समझ में आ गया कि h की वैल्यू मुझे 5 लेनी है। अच्छा, तो आप ये देखिएगा कि अच्छा ये जो h है ना, इस h की वैल्यू कितनी ले सकते हैं आप, यही जो ये गैप है आपका जो मन करे वो ले सकते हैं आप h की वैल्यू, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कर क्या रहे हैं इसमें भाई, आपने पहले हर एक वैल्यू को एच से डिवाइड करा है, हर एक वैल्यू को एच से डिवाइड करा है, उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करा है एफ आई में और फिर सबको ऐड करा है। तो सबको आपने एच से डिवाइड करके और एक कॉमन नंबर से एफ आई से आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो हर एक में एफ आई यू आई की अगर मैं बात करूँ तो एफ आई इंटू दिस टर्म, यानी कि एच सब में आ रहा है डिनोमिनेटर में, ठीक, और उसके बाद बाहर आप एच से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। जब आप h डिनोमिनेटर में ला रहे हैं और आप फिर h से आप न्यूमरेटर में वहाँ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप h की वैल्यू, जैसे ये वाला क्वेश्चन था इसमें मैंने 5 बताया, ये 5 का गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है ले सकते हैं 5, बढ़िया है। लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं मैं तो 10 लेना चाहता हूँ तो ठीक है 10 ले लो, क्योंकि फिर आपको यहाँ यू आई में भी 10 ही लेनी पड़ेगी वो वैल्यू और लास्ट में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो ज़्यादा बेटर तो वही है कि जो आपको यहाँ पर इंटरवल दिखाई दे रहा है वो वाली वैल्यू आप लें, लेकिन आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, छोड़ दो इसको, 11th को कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये हमने कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 12 यही है 30 से 40, 40 से 50, 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2। तो इन्होंने यही चीज़ जो है पहले तो लॉन्ग मेथड से करके दिखाई, तो लॉन्ग मेथड से आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर 10 में, तो अगर आप टेबल देखोगे इनका सॉल्यूशन का तो देखो कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज दे रखी है, ठीक है ना। और आगे इसी को एग्जाम्पल 12 में डेटा सेम लेकर इन्होंने इस तरह से कर दिया है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 15.2 में कोई भी ऐसा दमदार क्वेश्चन है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, बस वही वैल्यूज ही था। बताओ क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है फर्स्ट फाइंड द मीन एंड वेरियंस फॉर ईच ऑफ द डेटा इन एक्सरसाइजेस 1 to 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोल रहे हैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का आपको मीन बताना है और वेरिएंस बताना है। इसमें मतलब कैसे 1 + 2 + 10 + 10 n तक लिया, ठीक है। तो हमें ये इतना बता देता हूं, टेबल बना के समझा देता हूं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आप बोल रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ये ना अनग्रुप्ड डेटा का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी तो दे नहीं रखी। तो अनग्रुप्ड डेटा में मुझे क्या करना होता है, जब फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती तो हमें क्या करना होता है कि मीन अगर निकालना है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इस तरह से तो हमारा मीन आ जाता है। तो पहले मीन निकालेंगे और उसके बाद जो वेरियंस है, वेरियंस कैसे निकाला जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार करके, सारा एक्स आई माइनस एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार वो करके उन सबको ऐड करना है और फिर उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, बस ये करना है। तो आप ये देखिए जो बिल्कुल शुरुआत में आपको इसका क्या पूछा है, वेरियंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस पूछा है, बहुत बढ़िया। स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट निकालना पड़ता है ना, तो ठीक है वेरियंस इन्होंने पूछा है। तो वेरियंस का जो शुरुआत में आपको फॉर्मूला लिखवाया था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हो गया इसका डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में। डिस्क्रीट में क्या है कि जैसे ये एग्जांपल नंबर 11 था जिसमें वैल्यू दे रखी थी 3, 8, 15,
ये जो वैल्यूज दे रखी थी तो ये तो डिस्क्रीट हो गई, और जिसमें क्लास इंटरवल दे रखा है दैट इज कंटिन्यूस, तो क्लास इंटरवल वाला और फ्रीक्वेंसी दोनों में होती है, डिस्क्रीट में भी और कंटिन्यूस में। देखिए मैं आता हूँ इस पर, क्वेश्चन नंबर टू पर, एक्सरसाइज 15.2। अरे भंजी तुम लोगों के भी पेपर खत्म नहीं हुए क्या? अक्षय तक आया नहीं, उसका कोई पेपर है क्या? उसका बचता है। अच्छा कौन सा? फिजिकल एजुकेशन। कल है फिजिकल में मेहनत कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4 टिल एन, तो ये तो हमारे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हो गए। अब जब इसके मीन की बात करी जाएगी तो मीन क्या हो गया, एक्स बार इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 डॉट 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 टिल एन अपॉन एन, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है बताएंगे? एपी में करा था सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, अगर याद नहीं भी आए तो एपी का फॉर्मूला लगा दो। कैसे भाई? आप ये देखेंगे इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, ठीक है। और ये कॉमन डिफरेंस भी छोड़ो, 1 से लेकर अंत तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, n, ठीक है। तो n बाई 2 इंटू सब क्या होता है, a प्लस l, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हो गया अपॉन n। अब इस n को क्या बोल देंगे, n अपॉन 1 डिनोमिनेटर वाले को, तो x बार कितना हो गया, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 और अपॉन n अपॉन 1। तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो x बार क्या हो गया, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एन कितना हो गया, 2n। तो n से n कैंसिल आउट हो गया, तो x बार जो हमारा मीन है, मीन कितना हो गया, n प्लस 1 बाई 2। तो ये तो मीन हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके वेरिएंस की। वेरिएंस देखिएगा कैसे निकलेगा, अनग्रुप्ड डेटा का देखिएगा, वेरिएंस of ungrouped data, variance of ungrouped data is given as sigma square is equal to 1 upon n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये निकालना यहाँ पर थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि एक्स आई माइनस एक्स बार का मतलब क्या है कि आप 1 में से n प्लस 1 बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 2 में से n प्लस 1 बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका शायद एक और होता है फॉर्मूला, मैंने आपको नोट नहीं करवाया था, देख के बताता हूँ। तो ये है, हमसे आप इसको यही दे रखते हैं सच बात का स्क्वायर। तो सबकी फ्रीक्वेंसी तो 1 है, तो अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी वाले हिसाब से भी कर लूँ तो
काम करिए रिकॉर्ड लिखो फॉर्मूला, इसमें एनसीईआरटी में दे नहीं रखा लेकिन आप लिखिएगा वन अपॉन एन, वन अपॉन एन सिग्मा का लिखवा लूँ, ये वन अपॉन एन अंडर रूट, जो हमारे पास फॉर्मूला है ना वही फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। उस फॉर्मूले में क्या था कि जब भी आप ये देखिए कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है तब तो मैं एफआई यूज़ करूँगा, अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है ही नहीं, यानी कि अनग्रुप्ड डेटा है, तो अनग्रुप्ड डेटा में हर किसी की फ्रीक्वेंसी वन ही होती है, और जब ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर दे रखे हैं तो एक वन वन कितनी बार आ रहा है, एक बार, टू कितनी बार आ रहा है, एक बार, थ्री भी एक बार, फोर भी एक बार, तो सबकी फ्रीक्वेंसी वन होगी। तो इसका मतलब जो हमारा पहला वाला टर्म है सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, एफ आई हटा दो, एफ आई वन है, तो वन अगर सब में मल्टीप्लाई भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस आगे क्या था सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, ऐसे करा जा सकता है इसको, इसको ऐसे करा जा सकता है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ही है, मैंने उसमें एफ आई का ऐड कर दिया बस, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे इसमें, इसमें ना टेबल बना लेंगे ऐसे, हम यहाँ लिखेंगे एक्स आई वन टू थ्री फोर डॉट 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 टिल एन, फिर करेंगे एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर क्या हो गया वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, ऐसे करते करते एन का स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है, वैसे भी हम यहाँ पर देख चुके हैं एन इंटू एन प्लस वन बाई टू सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये क्या है यहाँ पर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो पहले एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, इसका भी एक सीधा फॉर्मूला होता है भाई एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, एपी में करा था ये हमने। तो सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन एन, और यहाँ पर कैपिटल एन जो है वो क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है स्मॉल एन, ठीक है, स्मॉल एन नेचुरल नंबर्स, तो वन अपॉन स्मॉल एन और अंडर रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू ये है डाल दीजिए आप एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स आई यानी कि एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल रहे हैं, तो वेरिएंस निकाल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा वन अपॉन एन स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और लिखता है यहाँ पर मैं एन और का, इसमें एन और का फॉर्मूला देखिए एन इंटू सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर, यही था ना, तो एन एन का मतलब क्या है यहाँ पर एक स्मॉल एन और डाल दिया हमने स्मॉल एन, अब क्या हुआ कि ये तो वन अपॉन एन स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या हो गया एन इंटू एन एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, मतलब अंडर रूट गायब हो गया क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिया है ना, अंडर रूट गायब हो गया, तो माइनस ये क्या हो गया एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर क्या हो गया फोर, इधर भी न्यूमरेटर में एन स्क्वायर है, इधर भी न्यूमरेटर में एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर ले लिया कॉमन अपॉन एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचा एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स माइनस एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर, इस एन स्क्वायर से ये एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अभी इधर भी एन प्लस वन है, इधर भी एन प्लस वन है, एन प्लस वन कॉमन लिया जा सकता है ले लिया कॉमन, और डिनोमिनेटर में टू कॉमन लिया जा सकता है टू ले लिया कॉमन,
ठीक है, क्योंकि 6 है तो 6 को क्या बोलूंगा, 2 3 जा 6 और इसको क्या बोलूंगा 2 2 जा 4, तो यहां से अगर 2 कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा नीचे, तो 2n plus 1 upon 3 minus n plus 1 upon 2. अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, ये हो गया n plus 1 upon 2 into 3 2 जा हो गया 6, अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 into 2 n plus 1, तो 2 into 2 n हो गया 4 n, 2 into 1 हो गया 2, फिर 3 को इधर मल्टीप्लाई करो तो minus 3 n और minus 3, ठीक, ये हो गया. आज तक क्लियर है यहाँ तक? यस सर. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अब n plus 1 upon 2 और 4n minus 3n कितना हो जाएगा, plus का n और 2 minus 3 हो जाएगा minus का 1 और upon में 6, तो n plus 1 into n minus 1 हो गया n square minus 1 और 2 6 जा 12. आप देखते हैं यही आ रहा था, ठीक है ना. तो ये वाला फार्मूला जो है ना, एक ये वाला फार्मूला और नोट कर लेना आप, ये वाला फार्मूला, इसमें मतलब फ्रीक्वेंसी, जब भी अनग्रुप्ड डेटा है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 होती है उसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें जो टर्म्स हैं वो रिपीट नहीं होते. चलिए जी, ये करने के बाद में अच्छा, तो ये 15.3 है, ये तो सिलेबस से हट गई है, ठीक है. उसके बाद मिसलेनियस, मिसलेनियस में मार्क करिए एग्जांपल नंबर 16, 17, 18, 19, है ना, सारे के सारे 16, 17, 18, 19 सारे असली में एक्सरसाइज नहीं कटा है, बस 6th क्वेश्चन मिसलेनियस में, मिसलेनियस के एक्सरसाइज में, हां मिसलेनियस में आपका सिर्फ 6th वाला क्वेश्चन कटा है, ठीक है ना. दिस अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपके यहां स्टैटिस्टिक्स में अभी स्कूल में ये करवाए हैं अभी क्वेश्चंस सारे करवा दिए, तो हम 16 से फिर स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 16, और ये जो बीच वाली एक्सरसाइज है 15.3 आसान सी एक्सरसाइज है, पता नहीं क्यों हटा दी है, ये वाली कर देते हैं 16. मिसलेनियस एग्जांपल का पहला एग्जांपल देखिए, द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 5. तो ये उस तरीके के क्वेश्चंस हैं जैसे आपने 10th में करे होंगे ना, मीन वाले, मीडियन वाले क्वेश्चंस में था कि एक ऑब्जर्वेशन जो है वो गलती से ले ली जाती है, फिर उसको ओमिट कर दिया जाता है, या फिर उसकी जगह सही वाली ऑब्जर्वेशन, तो वैसे क्वेश्चन है. तो देखिएगा, द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 5, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, फाइंड द न्यू वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस. एग्जांपल 16, एग्जांपल नंबर 16, तो 16 में देखिएगा, द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 5. द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 5, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n, ये दे रखा है 20, और जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, ये दे रखा है 20 नंबर ऑफ है ना. Variance of 20 observations is 5. If each observation is multiplied by 2, find the new variance. Find the new variance of the resulting observations. तो अब मेरे को नया जो है, नया variance मेरे को बताना है. तो आप ये देखिएगा, ये variance क्या होता है? Sigma square is equal to 5. तो सिग्मा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन इज इक्वल टू 5.
ईच ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहे हैं, ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई टू, ठीक है, ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई टू, तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं है, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं वेरिएंस निकालने के लिए, जो इन्होंने करा है ज्यादा बढ़िया ही है, उन्होंने भी खैर कॉल खाल कर ऐसे ही करा है, हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। हम सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला सीधा लिखते हैं, तो जब सिग्मा स्क्वायर सीधा लिखना होगा तो क्या करेंगे, एक तो ये अंडर रूट हट जाएगा और जो डिनोमिनेटर ये जो 1/n है इसका 1/n स्क्वायर बन जाएगा, दैट्स इट, बस इतना होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे 1/n स्क्वायर और ब्रैकेट में n इंटू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर, अब यहाँ मीन में कुछ चेंज करा हो ऐसा तो कुछ नहीं बताया इन्होंने, इन्होंने बताया कि हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 फाइंड द न्यू वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस। तो पहले क्या करेंगे हम कि यहाँ पर ये वैल्यू पूरी की पूरी जो ये वैल्यू है ये मेरे पास 5 के इक्वल है, अब इसमें क्या करिएगा कि ये जो एन स्क्वायर है ना इस एन स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं, क्या छोड़ो ऐसे ही रहने दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया इसको, ठीक है। नाउ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, इन्होंने भी एक सॉल्यूशन दे रखा है पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारा ये वाला मेथड जो है इससे आपका सॉल्यूशन ज़्यादा आसान आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा। देखिएगा क्या करना होगा कि ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतनी ही बची ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 20 की 20 रही जो पहले 20 थी, ठीक है, तो मैं उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं 20 लिख ही नहीं रहा, मैं एन स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, वही है पूरा 5 के, तो 1/n² इंटू एन सेम रहा, एन में कोई चेंज नहीं, लेकिन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मतलब ये है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहीं पर, ये क्या हो गया 2x1 का स्क्वायर, नहीं समझे, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर का मतलब है कि हर एक टर्म में भाई एक्स आई स्क्वायर क्या था, x1² प्लस x2² प्लस x3² ये तो होगा, तो इसका मतलब हर एक में 2 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x1 का स्क्वायर प्लस 2x2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये करके छोड़ दिया मैंने, इतने से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अच्छा अब माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स आई अब नया क्या है, नया ये है कि 2x1 प्लस 2x2 प्लस डॉट 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 डॉट, छोड़ दिया मैं 2x3 2x4 मुझे लिखना ही नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं बनाना उसको, इतना हो गया, ठीक, इज इक्वल टू 1/n² n, और अब क्या करें, अब यहां पर 2 का स्क्वायर 4, यहां पर भी 2 का स्क्वायर 4, तो हर एक में 4x1² 4x2² 4x3² ये आता चला जाएगा, क्योंकि हर एक में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस पूरे ब्रैकेट में से थ्रू आउट क्या कॉमन आ जाएगा 4, और क्या बचेगा यहाँ x1² अच्छा, और इसका स्क्वायर है पूरा का सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर यहाँ पर हो गया, तो 4x1² प्लस x2² प्लस डॉट 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 डॉट, छोड़ दिया, माइनस यहाँ जो ये ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में क्या होगा, इस ब्रैकेट में 2 आ जाएगा कॉमन, अब छोटा ब्रैकेट लगाओ x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट क्लोज, और होल स्क्वायर है इसका, समझ गए, ठीक है। अच्छा जी अब क्या करें, 1/n² ये क्या हो गया 4n
into ये जो x1 square plus x2 square plus dot 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 है, इसको क्या लिख दो, सीधा लिख दो sigma xi square, sigma xi square इधर है x1 square plus x2 square. अच्छा minus ये जो 2 है, 2 का square लिख दो 4, और x1 plus x2 plus dot 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 ये जो है ये sigma xi है, इसका whole square, तो sigma xi का whole square, bracket बंद. ठीक, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, थ्रू आउट 4 ले लो कॉमन, 4 ले लिया कॉमन. अब लगा दो बड़ा ब्रैकेट, यहां देखो 1 अपॉन n स्क्वायर, और कर्ली ब्रैकेट लगा कर लिखिएगा n इनटू सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर. और ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है, इसी की तो पूरे की वैल्यू 5 है, इस पूरे की तो वैल्यू 5 है, तो 4 into 5 ये हो गया 20, और न्यू वेरिएंस हमारे पास आ गया 20. तो यहां से एक कंक्लूजन निकल कर आता है, हालांकि उस कंक्लूजन की जरूरत यहां तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहां तो 11th में तो आपको सारी चीज जो है न्यूमेरिकली पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखानी पड़ेगी. लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसके स्क्वायर से जो इनिशियल वेरिएंस था उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, बस यही हो जाता है. ऐसे ही अगर मीन हो, अगर ये आपसे मीन पूछते तो वो कहते कि हर एक जो ऑब्जर्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, ठीक है, तो जो इनिशियल मीन था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, बस ये था. ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और मैं आज भी आपकी कॉनिक सेक्शन की क्लास लूंगा, तो वही 9 बजे क्लास होगी. तो आप लोग क्या करना, वो कल का आप पढ़ लेना, जो हमने करवाया था सर्कल्स जो करवाया था, कोई डाउट वगैरह हो तो पूछना, मैं करा बोला करूँगा. ठीक है.